इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें, और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। प्रीति जी का नहीं मुखौटा उतर रहा है, फिर भी जनता कैसे चुनती है। दिल्ली का उदाहरण सबके सामने है, बिल्कुल दिल्ली का उदाहरण सबके सामने है, क्योंकि दिल्ली में एक रावण बैठा हुआ है और किस तरह से उसको खड़ा किया गया सोनिया गांधी की पार्टी ने, कैसे खड़ा किया ये आप लोगों के सामने है। अपर्णा जी कह रहे हैं छापे मार के कोई फायदा नहीं है क्योंकि कार्रवाई तो सिर्फ नौटंकी है, कानून कुछ नहीं कर सकता। अपर्णा जी मैं पत्रकार हूं, आप कहिए आपको सूचना दूं या ना दूं, मेरा काम आपको सूचना देना है सरकार क्या कर रही है, आगे क्या करेगी, भविष्यवक्ता तो मैं नहीं हूं, मेरा काम आपको अप टू डेट रखना है। सौरभ ओझा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुपर चैट के लिए। सर न्यूकमर फर्स्ट टाइम राइटर को भी मौका मिलेगा कपोत पब्लिकेशन से, सौरभ जी जरूर मिलेगा, परंतु वो मेरे विचारों के कपोत विचारधारा से समझौता नहीं करता न करेगा, विचारधारा से टकराकर ही कपोत निकला है। 11-12 में नौकरी जब छोड़ा तो तब कपोत का जन्म हुआ, और आज कपोत पब्लिकेशन का दोबारा जब जन्म हो रहा है तब हमने ब्लूमबेरी से अपनी किताबें ली है विचारधारा से, वो भी मेरी नहीं किसी थर्ड पार्टी के की लड़ाई थी, पर वो विचारधारा की लड़ाई थी, इसकी वजह से तो हम वैचारिक पुस्तकों का प्रकाशन करेंगे, परंतु तो हमारे पास अभी इतना फंड नहीं है कि मैं सारी पुस्तकें छाप सकूं, इसलिए सिलेक्टेड वे में हम पुस्तक छाप रहे हैं ताकि जो थोड़ा बहुत फंड है उसमें जोड़ सके। एक किताब के बनने में उसके पब्लिकेशन से लेकर उसकी मेकिंग तक पे 1,60,000 का खर्च आता है, इसलिए मैं थोड़ा हम धीरे धीरे कदम उठा रहे हैं, नहीं तो शुरू होने से पहले कपोत बंद हो जाएगा। लेकिन हम नए, आपने कहा कि आपने नए राइटर को मौका मिलेगा, मनीष ठाकुर की आज जो किताब आपको दी, मनीष ठाकुर नए राइटर ही हैं, उनकी ये पहली किताब ही है, तो हमने नए राइटर को ही मौका दिया, मेरे अलावा इसमें ये तीसरे राइटर हैं मनीष ठाकुर, इससे पहले दो और नए राइटर ही थी। आप लोग संतनु गुप्ता को देखते होंगे चैनलों पे, जिनका योगी जी पे किताब है, उसकी पहली किताब भी कपोत ने ही छापी थी। उसके अलावा एक लेडी है, उनकी एक किताब है थी जो कोई नहीं छाप रहा था, उसे भी कपोत ने ही छापा था। तो हम नए ऑथर के साथ ही काम कर रहे हैं, इसलिए वो एकदम मन से निकाल दीजिए कि हम किसी प्रतिष्ठित लेखक को यहाँ लाएंगे, हम प्रतिष्ठित लेखक की जगह नए लोगों पे ज्यादा निवेश करना चाहेंगे ताकि थॉट्स नए हो, और जो प्रतिष्ठित हमारी विचारधारा में काम कर रहे हैं उनका तो हमेशा ही सम्मान है। साथ ही हम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जो बुक्स हैं उसको भी पब्लिश करने जा रहे हैं, परंतु हमारे पास फंड की कमी है, पब्लिकेशन नया है, और ये आप सब जो लोग पुस्तक खरीद रहे हैं और जो लोग सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं उनके, जो उस सब्सक्रिप्शन पे करते हैं, किताबें खरीदते हैं, पुस्तकें खरीदते हैं, उसके आधार पर ही हम इसको अभी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, चला रहे हैं। जिस दिन इसमें फंड आएगा तो मैं सब आप सबके पुस्तक को विचारधारा से जुड़ा हुआ है तो छापूंगा ही। थैंक यू सौरभ जी, फिर से सुपर चैट के लिए आप लिखिए। 1 साल में हो सकता है कि थोड़ा बड़ा हो जाए, कम से कम इतना पैसे इसके पास हो कि 5-6 ऑथर्स में अगर वो निवेश भी करे और वो लॉस भी लग जाए तो कंपनी सर्वाइव कर जाए, बच जाए, कंपनी बंद ना हो, क्योंकि इतने लोग इसमें जॉब कर रहे हैं, और 5-6 मतलब आप ये मान के चलिए 1.5 और 5 मतलब 7.5-8 लाख रुपया एक्स्ट्रा हमारे पास अगर हो तो हम 4-5 ऑथर्स पे काम कर सकते हैं, फिलहाल नहीं है। और इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूं कि पुस्तकें लीजिए, विचारधारा की पुस्तकें, इंडोलॉजी की पुस्तक एक जगह आपको सारा उपलब्ध कराने का जो है हमने एक वचन दिया है आपसे, और दूसरा सब्सक्रिप्शन जरूर पे कीजिए, चाहे सुपर चैट के जरिए हो, चाहे ज्वाइन बटन के जरिए हो, चाहे आप 100 रुपीज पर मंथ पे कर रहे हो, सब्सक्रिप्शन जरूर पे कीजिए, क्योंकि कंटेंट की ताकत आपको अगर बदल सकती है उसको पे करना चाहिए, और पहले जमाने में भी कहा गया कि ज्ञान निशुल्क तो फलता ही नहीं है, इसलिए गुरु दक्षिणा का विधान था, तो उस चीज को समझिए। अगर भूख के लिए अनाज खरीद रहे हैं तो मानसिक भूख के लिए आप पे नहीं कर सकते, इस पूरे बैरियर को तोड़िए,
भारत में ये गर्व है कि किताब मांग के पढ़ लेंगे, अखबार मांग के पढ़ लेंगे, ये तो फ्री ही है। यूट्यूब फ्री नहीं है, पैसे कमा रहा है हमसे और आपसे। यूट्यूब अगर ये विज्ञापन फ्री दिखा रहा है तो 129 130 रुपये महीने ले रहा है यूट्यूब। वो यूट्यूब भी 130 रुपये 29 रुपये महीने ले रहा है अगर वो विज्ञापन फ्री आपको दिखाता है, चाहे वो अमेजन हो प्राइम हो, वो सब ले रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ है कि हमें फ्री देखना है, वो चीजें थोड़ी। और इसलिए पूरी टीम कंटेंट टीम सर्वाइव करती है उसके कारण। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग, बहुत लोग करते हैं, उन सबका तो मैं हृदय से हमेशा धन्यवाद करता हूँ। और हर महीने कुछ लोग ऐसे हैं कि हर 1 तारीख के बाद, और वो बिना कहे उसको पे करते हैं। एक दो अच्छे हमारी विचारधारा के स्पॉन्सर भी आए हैं, और आप लोगों के सामने सनातन के जो वीडियोज हैं उसको कुछ लोगों ने स्पॉन्सर भी करने की इच्छा जताई है। तो उसको उनको स्पॉन्सरशिप भी हम लेंगे, और वो सनातन के वीडियोज को, ताकि उसमें जब कम व्यूज आता है, वो कहते हैं सनातन के वीडियोज में कम आता है, तो वो उसको स्पॉन्सर कर सके। तो इस तरह से चीजों को जब हम खड़ा करेंगे तो किसी बड़े निवेशक की जरूरत नहीं होगी, वरना कोई हाथी आएगा और आपके पूरे सिस्टम को क्रश करता हुआ चला जाएगा। जैसे कोई फ्लिपकार्ट भारत में बना था और अब वो वॉलमार्ट का हो गया, बड़ी बड़ी कंपनी बनी और बिक गई, क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर सकती बिना पैसे के। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग सब्सक्रिप्शन, और बहुत मामूली सब्सक्रिप्शन है, उसको जरूर पढ़िए। दीप शाह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। सर कपोत बल्क में कैसे बुक करेंगे? दीप शाह जी, आप नंबर लिख लीजिए, अभी इस पे स्क्रीन पे आ रहा है, 8826291284, ये अमरदीप जी का नंबर है, आप इनसे बात करेंगे। जितना बल्क में है वो उसके छूट के हिसाब से आपको जो है उपलब्ध कराएंगे। बहुत जहां हमको लगेगा कि यहां तक हम छूट दे सकते हैं, वहां तक आपको छूट दिया जाएगा, और वो आपको जो है, साथ ही हम 1000 शहरों में अपना ये नेटवर्क भी बनाने जा रहे हैं, ज्ञान केंद्र बनाने जा रहे हैं, जहां लोग पढ़ सकें, जहां जिनके घर में बहुत सारी पुस्तकें हैं पर वो सोचते हैं क्या करें, वो वहां डोनेट कर सकें पुस्तकें, और जो खरीद नहीं सकते वो 10 रुपये महीना देकर वहां पढ़ सकें, और जो खरीद सकते हैं उनको छूट के साथ पुस्तकें मिल सके। इससे 1000 शहर में एक रोजगार भी क्रिएट होगा, और प्राचीन ज्ञान केंद्र जो होते थे, प्राचीन जो हमारे पुस्तकालय की किस अवधारणा थी, प्राचीन जो हमारे विद्या केंद्र होते थे, उस तरह हम इसको स्थापित कर पाएंगे। मुझे भरोसा है कि इस पर जरूर इसे पूरा कराएंगे, पर आप लोगों का समर्थन मिले तभी हम कर पाएंगे, ऐसे तो संभव ही नहीं है। ओम प्रकाश जी जी बिल्कुल सूद साहब बाहर ही बैठे हैं, अभी ये हमारे सामने ही बैठे हैं, तो वो यहाँ आए हुए हैं, हम लोग किसी बात पर डिस्कशंस कर रहे हैं। तो चूंकि ये रूटीन का आज का था, कोई विशेष एपिसोड नहीं था, इसलिए मैंने उनको नहीं बुलाया, पर हाँ इनके सूद साहब जी हम और हमारी टीम के साथ हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, सामने हमारे आपके बैठे हुए हैं। हाँ जीवराज जी, सब्सक्रिप्शन आपने पे किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग भी पे करते हैं, यदि वो चाहते हैं कि वो उनको पता चले कि वो पे उनका पेमेंट सही जगह जा रहा है, तो आप व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम स्क्रीनशॉट कर दीजिए, मैं स्वयं उसको देखकर आपको जवाब दूंगा। भले 2-4 10 दिन एक लेट हो जाए, पर मैं खुद ही स्वयं ही जवाब दूंगा। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं, संदीप जी नमस्कार, अभी भी हमारे दर्शक बहुत कम आ रहे हैं। हाँ ओम प्रकाश जी, हम क्या कर सकते हैं, लोगों को दूसरी चीजें पसंद आती हो, पर मुझे लगता है कि नरसन वार के लिए कुछ चीजों को जानना जरूरी है। तो अभी जो अंबानी अडानी चल रहा है, उसके नरेशन वार में लोगों को उस समय पे ट्विटर पे वो इंगेज हो जाएंगे, अभी लेटेस्ट इशू पे वो कुछ चाहते होंगे, इसलिए वो फिर कम आते हैं। माहौर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग देखते हैं इसलिए हम इसको कर पा रहे हैं। और दिव्य धवन कर रहे हैं, केजरीवाल के बारे में आपने जो ई बुक टेलीग्राम पर शेयर करी थी, उसमें मैंने करी थी नहीं, हम लोग हिंदी भी अब सुधारेंगे, मतलब हिंदी पढ़ाने का भी काम होगा, की थी उसमें मैंने केजरीवाल की सच्चाई पढ़ी, वो सोनिया गांधी के एनएसी का मेंबर था, बिल्कुल सही बात है। इसको कैसे बढ़ाएं, ओम प्रकाश जी कह रहे हैं, इसको हम अपने अपने ग्रुप में डालें, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, ट्विटर पर, फेसबुक पे, इस वीडियो के लिंक तो जरूर डालें हेडिंग के साथ, इतना तो हम सब कर ही सकते हैं, ताकि लोग, मैक्सिमम लोग इसे देख सकें, क्योंकि यूट्यूब ने इसको बैन किया हुआ है, आंशिक बैन है, ना वो सजेस्ट करता है, ना वो नोटिफिकेशन भेजता है, ना वो ट्रेंडिंग में दिखाता है, तो बस यूट्यूब की कृपा ही है, कहिए आप, तो इसको हम लोगों को ही पुश करना होगा। तो आप सबसे बहुत बहुत आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूं मैं आपसे अगले महत्वपूर्ण मुद्दे पे, धन्यवाद।